हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दगरु सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। डायबिटीज कंट्रोल अब आपके हाथ में, ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जीसस एंड मेरी स्कूल के सामने, रामगंज दरभंगा, बेस्ट डायबिटिक सेंटर इन बिहार। आईआईटी और नीट में लगातार 8 साल से मिथिलांचल में सर्वाधिक रिजल्ट, ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर दरभंगा, फॉर आईआईटी नीट बोर्ड एंड प्री फाउंडेशन। दरभंगा में इससे सस्ता कहीं नहीं, टाइल्स मार्बल ग्रेनाइट की फुल रेंज, ऑथराइज्ड डीलर कजारिया हिंदवेयर, बाथ एंड किचन फिटिंग्स, मकान बनाने का सारा सामान, एमएन होम सॉल्यूशन, एकमी घाट लहरिया सराय। अग्रवाल मेंस टच, अ कंप्लीट मेंस वियर एंड वेडिंग स्टोर, हसनचक पेट्रोल पंप के बगल में, लाल बाग दरभंगा। दिवाली एवं छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। साड़ी हाउस फैशन डेस्टिनेशन, बाकरगंज जामा मस्जिद के सामने लहरिया सराय, एक ही छत के नीचे कपड़े एवं रेडीमेड के सभी ब्रांड उपलब्ध। पिछले 12 वर्षों का है हमारा विश्वसनीय शानदार रिकॉर्ड, हज और उमरा करिए हमारे साथ, नफीसा हज एंड उमरा ट्रेवल्स, बाजार समिति के सामने, शिवधारा दरभंगा। अधिक जानकारी के लिए आज ही कॉल करें। डॉक्टर और इंजीनियर फैकल्टी टीम के साथ करें तैयारी नीट जी और बोर्ड की, जो पिछले 3 साल से दे रहा सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट, एडमिशन ओपन, ग्रे मैटर, खानका चौक दरभंगा। बैंक से पैसे निकालकर लौट रही महिला बनी झपट मार गिरोह की शिकार, अपराधियों ने लूट लिए रुपए। दरभंगा में इन दिनों जिला मुख्यालय से लेकर अनुमंडल मुख्यालय तक चोर, उचक्के और लुटेरे सक्रिय हैं। वे अब लूट या चोरी के लिए रात के अंधेरे या सुनसान रास्ते का इंतजार नहीं करते, बल्कि अपनी ही सुविधा के अनुसार जब तब दिन दहाड़े लूट एवं छिनतई की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, मानो उन्हें पुलिस या कानून का कोई डर ही न हो। पुलिस की इसी निष्क्रियता का शिकार बहेड़ा थाना क्षेत्र के बेनीपुर में एक महिला बन गई है। बताया जाता है कि मकरमपुर निवासी सीता देवी SBI के बेनीपुर शाखा से 1 लाख रुपए निकालकर आशापुर की तरफ जा रही थी। इसी दौरान अंबेडकर धर्मशाला के निकट बाइक पर सवार 2 अपराधियों ने झपट्टा मारकर उनके पैसों से भरा बैग छीन लिया और फरार हो गए। इस दौरान महिला गिरकर जख्मी भी हो गई। जब तक वह उठती शोर मचाती, अपराधी निकल चुके थे। महिला का इलाज स्थानीय लोगों की सहायता से कराया गया है, लेकिन फिलहाल लूटे गए रुपए या अपराधियों का कोई सुराग पुलिस नहीं लगा पाई है।